अगर आप सीखना चाहते हैं घर बैठे वीडियो कॉल पर संगीत तो अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धरा एसपीडब्ल्यू हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड आईओएस और डेस्कटॉप तीनों पर अवेलेबल है अभी परचेज कीजिए कोर्सेज और सीखिए संगीत घर बैठे नमस्कार मैं हूं हिमजा और आप देख रहे हैं म्यूजिकल बेडीज़ का ये चैनल दिस वीडियो इज़ अ क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो जहां पे मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी कमेंट्स में आपने बहुत सारे सवाल हमसे पूछे हैं और जिनके जवाब आज कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ म्यूज़िक से रिलेटेड देने वाली हूँ सबसे पहले तो मैं कमेंट्स पढ़कर बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलम्ड हूँ जिसमें आपने बहुत हमारे वीडियोस को पसंद किया है चैनल को पसंद किया है और आप जानते हैं कि ये सच्चाई का काम है और इसको हमने जो भी बताया है आपने उसे बहुत सराहाया है तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ पहला सवाल आप में से बहुत लोगों ने ये कहा है कि हम सीखें कैसे शुरू से सीखे कैसे या शुरुआत से शुरू कैसे करें या मैं म्यूज़िक में नया हूँ मुझे सीखना है तो उसका जवाब यही है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये कहा है अगर आप नए हैं और आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियोस की शुरुआत से फर्स्ट वीडियो से शुरू करिए आप कोई भी प्लेलिस्ट उठाएंगे वहाँ पे सीक्वेंस वाइज ही दिया गया है वैसे तो म्यूज़िक कोई सीक्वेंस नहीं है कि किस तरीके से कैसे सीखा जाए किस तरीके से हमको एक 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 चीज़ करी जाए बट हाँ यहाँ पे इस चैनल पे आपको ये मिला है हर एक टॉपिक की कोई शुरुआत होती है उसका बेस होता है और उसका एक पैटर्न होता है तो हमने वही चीज़ फॉलो करने की कोशिश करी है चाहे वो आप आकार ले लीजिए चाहे तानपुरा ले लीजिए चाहे हारमोनियम ले लीजिए चाहे लय ताल ले, ले लीजिए हर एक चीज़ आपको बेस फर्स्ट लेसन से ही सीखने को मिला है दूसरा आपका सवाल ये था कि सबसे पहले क्या सीखा जाए तो सबसे पहले मैंने ये भी काफ़ी वीडियोस में बताया गया है कि लय और ताल बहुत ही ज़रूरी है आप अगर एक अच्छे गायक हैं या अच्छे वादक हैं और आप लय और ताल में कमज़ोर हैं तो आपका वो गायन और वादन किसी भी जगह खरा नहीं उतरेगा क्योंकि वो एक सर्टेन रिदम में नहीं है आप कितना ही बेसुरा गा लीजिए पर आप एक एक रिदम में है तो इन ऑडियंस उस चीज़ को फॉलो करती है ऑडियंस उस चीज़ के साथ रहती है क्योंकि एक अननोन इंसान जिसको म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है वो भी ये बात जानता है कि बीट किसे कहते हैं रदम किसे कहते हैं और वो उसी चीज़ को इन्जॉय करता है तो लय और ताल बहुत ही ज़रूरी है आप लय ताल से शुरू करिए फिर आप स्वरों से शुरू करिए धीरे 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 स्वरों के साथ जब आप हारमोनियम के साथ बजाते हैं फिर आप तानपुरे के ऊपर बढ़ते हैं फिर हम रागों की तरफ चलते हैं तो ये एक पूरा प्रोसेस है आपका सीखने का उसके बाद आपके तीसरा सवाल ये था आप में से कि हम ऑनलाइन कैसे सीखें या हम किस तरीके से आगे आपसे जुड़ सकते हैं तो हर एक वीडियो में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मैं फिर रिपीट कर देती हूँ नाइन एट टू एट फोर सेवन नाइन टू डबल वन ये व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारी एक एप्लीकेशन है जिसे कहते हैं संगीत धरा एस पी डब्ल्यू एप्लीकेशन जिसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे सीखने के लिए बहुत सारे आपको आ, टीचर्स वहाँ अवेलेबल होंगे अलग अलग टाइमिंग के अनुसार आप अपना टाइम चूज़ करके वहाँ सीख सकते हैं एवरी सैटरडे हमारी फ्री क्लास होती है जिसका करिकुलम या जिसका टाइम टेबल आपको ऐप आप के थ्रू ही मिलता है तो आप वहाँ जुड़कर भी हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं ये दो तरीके हैं तीसरा ये है कि पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको लेनी है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए किस तरीके से शेड्यूल रहता है किस तरीके से फीस रहती है वो सब आपको बता दी जाएगी चौथा सवाल आप में से बहुत लोगों ने पूछा था कि जब हम गाना गाते हैं तो हमारा गला बैठ जाता है या जब हम प्रैक्टिस कर ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारा गला बैठ जाता है तो हम क्या करें तो उसके लिए आपको यही करना है कि आपको एक अपनी कैपेबिलिटी, अपना जो स्टेमिना है वो जान लेना ज़रूरी है कि आप कहाँ तक गा सकते हो या आपकी रेंज कहाँ तक है कि आप उसके ऊपर ऊपर वाले स्वरों में जाओगे तो आपका गला बैठना शुरू हो जाएगा ज़्यादा आप गाओगे तो आपका गला बैठना शुरू हो जाएगा है ना तो उसके लिए आप रियाज़ करिए रियाज़ की टेक्निक्स दे रखी हैं मैंने मॉर्निंग रियाज़ दे रखा है वो रियाज आप जब करेंगे तो धीरे धीरे आपका गले का स्टेमिना बढ़ेगा आपकी गले की रेंज बढ़ेगी और फिर आप आप कोई भी गाना है उसको गा सकते हैं नेक्स्ट सवाल जो आपने पूछा था कि हम ईयर सेंस को कैसे डेवलप करें यानी कि हम जब सुनने की शक्ति कैसे बढ़ाएं और वो किस तरीके से आपके गायन में या आपके संगीत में मददगार हैं तो देखिए वही चीज़ है वही सारी बातों का निचोड़ एक ही है जो मैंने आपको मैं बार बार कहती हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बोलना शुरू नहीं करता है वो कुछ समय बाद ही बोलना शुरू करता है या जब आप इंग्लिश सीखने जाते हैं तो आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं सिखाते हैं आपको बेसिक चीज़ें सिखाते हैं तो वैसे ही है कि जब आप अच्छी चीज़ें सुनेंगे अच्छा गाना सुनेंगे या अच्छी गायकी सुनेंगे तो वो आपके अंदर से निकलेगी अगर आप नॉर्मल गाने सुनते हो जो आजकल बन रहे हैं या आप बॉलीवुड गाने सुनते हो तो आपकी गायकी में वही चीज़ दिखेगी सुनने से सुनने से आपकी जो स्वर की शक्ति है वो मजबूत होती है और हमारा माइंड मजबूत होता है और वो चीज़ हम ग्रेस्प कर लेते हैं तो अगर आप एक क्लासिकल सिंगिंग सुनना शुरू करोगे आपको भले ही वो नहीं आता है बट आप स्टिल अगर उसको सुनना शुरू करेंगे और सुनते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप वो क्या गा रहे हैं आप वो समझ पाएंगे तो हियरिंग सेंस डेवलप कैसे करना है वो यही है कि आप उसको बस सुनते रहिए अच्छी चीजें सुनते रहिए तो वो सेंस डेवलप होगा है ना आप अच्छी चीजें सुनोगे क्लासिकल सुनोगे सेमी क्लासिकल सुनोगे या जो गाने हैं वो आप राग बेस्ड सुनोगे तो आपको वो सेंस डेवलप होगा कि कौन से स्वर किस राग के कैसे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ये बहुत लोगों का जनरली भी प्रॉब्लम रहता है और आप में से बहुत लोगों का ये सवाल भी था कि हम जब सरगम गाते हैं तो हमें स्वरों का पता रहता है या जब हम गाना गाते हैं तो हमें स्वरों का पता रहता है लेकिन जब हम आकार गाते हैं तो हमको पता नहीं रहता कि स्वर क्या बज रहे हैं इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि आपने जब सरगमों को प्रैक्टिस करी है तो आपने सरगमों को पैटर्न्स में प्रैक्टिस करी है लेकिन आपने इंडिविजुअल नोट्स पर ध्यान नहीं दिया गया है जो कि मेरा आ, सिखाने का एक आप कह सकते हैं कि यूनिक चीज़ यही है कि मैंने सरगमों पर ध्यान नहीं दिया है मैंने ये नहीं कहा है बाकी लोगों की तरह कि आप अलंकार गाते रहिए आप सरगमों की प्रैक्टिस करते रहिए या मैंने कोई नई नई सरगमें आपको नहीं दी हैं लेकिन शुरुआत मैंने यही करी है कि एक स्वर लीजिए चाहे वो सा हो, लेकिन वो सा को आप अच्छे से पहचानो कहीं पर भी वो अगर आकार है वो अगर सरगम में आ रहा है वो अगर गाने में आ रहा है तो आप इजीली उसे पहचान सकते हैं क्योंकि सा से आप वाकिफ हैं सा की फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपको मालूम है सा का जो वॉइस क्या है वो आपको मालूम है तो यही चीज़ है कि जब आप इक्वली हर एक स्वर को पहचानना शुरू करोगे कि म का क्या साउंड है की क्या फ्रीक्वेंसी है सा से म का क्या डिफरेंस है सा से प का क्या डिफरेंस है तो ही आपको जाकर वो नोट्स क्लियर होंगे और आकार में भी सिर्फ आकार में ही नहीं आप बाकी चीज़ों में भी उन स्वरों को पहचानना शुरू कर देंगे तो आज इस वीडियो में यही कुछ सवाल थे जिनके जवाब मैंने दिए हैं आशा करती हूँ कि आप में से जिनके ये सवाल नहीं भी थे पर आपको ये बातें हेल्प करी हो और इसी तरीके से आपको अगर आपके सवालों के जवाब जानने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं आप व्हाट्सएप करिए या आप ईमेल भी कर सकते हैं हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं आपके सवालों को लिया जाएगा और उनका जवाब दिया जाएगा तो आज इस बात से मैं एंड करती हूँ आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करें सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें Stay tuned, stay happy, stay musical, and feel the beat. Thank you.